कर एक मिनट हो गया है, सुबह 7 बजे से वोटिंग प्रक्रिया शुरू हुई थी, 1 घंटा हो चुका है, लेकिन इस पोलिंग बूथ पर संत कबीर नगर में अब तक जो वोटिंग है वो शुरू नहीं हो पाई है। बूथ संख्या 82 है, ये देखिए गोप डौरी में बूथ संख्या 82 पर ईवीएम मशीन खराब है और जो दूसरी ईवीएम मशीन यानी ईवीएम मशीन जो रिप्लेस होनी होती है वो अभी तक हुई नहीं है, जिस वजह से ये लोग इंतजार कर रहे हैं, यानी 1 घंटे से इंतजार हो रहा है। अब जरा जितेंद्र यादव जी का हम रुख करेंगे। जितेंद्र जी, ये जो प्रश्न मैंने आपसे किया जिस पर जिम्मेवारी डाली यहां शाही साहब ने कि साहब ये तो आप ही लोग कर रहे हैं, प्रधानमंत्री की जाति का बार बार जिक्र करते हैं, प्रधानमंत्री तो मजबूर होकर जवाब दे रहे हैं, उनके पास कोई रास्ता नहीं है, आप लोगों ने ऐसे हालात क्रिएट किए हैं जो प्रधानमंत्री को इस तरीके से जवाब देने पड़ रहे हैं। उनके पास वाकई में कोई रास्ता नहीं है, उनके पास वाकई में कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि 5 साल तक कोई काम तो किया नहीं। अब जब काम नहीं किया तो मुद्दे की बात होगी कहां से, काम किया नहीं तो मुद्दे की बात आएगी कहां से, कोई मुद्दा नहीं है विकास का गिनाने के लिए, इसलिए वो जगह जगह जाकर जाति और धर्म की बात कर रहे हैं। मुझे आप बताइए, किसी नेता ने भी कहीं पे कोई एक क्लिप दिखाइए जिसने प्रधानमंत्री जी की, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जात के बारे में पूछा हो, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के धर्म के बारे में पूछा, वो स्वयं बताते हुए घूम रहे, क्योंकि वो भटका रहे हैं मुद्दे को, वो लोगों को भरमा रहे हैं, वो मीडिया को भटका रहे हैं, वो क्यों नहीं गाँव की बात करते हैं, क्यों नहीं विकास की बात करते हैं। उन्होंने 100 जो स्मार्ट जो सिटी बनाने की बात की थी वो उसका डिफरेंस क्यों नहीं बताते हैं कि 5 साल पहले ये शहर ऐसा था, मैंने इसको स्मार्ट बना के ऐसे कर दिया, यहाँ की पेयजल व्यवस्था थी वो दुरुस्त हो गई, यहाँ की सड़कें दुरुस्त हो गई, यहाँ की सफाई ऐसी हो गई, उन मुद्दों पे बात वो क्यों नहीं कर रहे हैं। वो गाँव में जो हम लोग तो गाँव से ही आते हैं, गाँव में गली में गर्मियों में हम लोग घूमने वाले हैं, वो बातें क्यों नहीं करते हैं। गांव और गली की बात उनको करना चाहिए, वो वाली बात नहीं करते हैं, वो सिर्फ जात की बात करके लोगों को भटका रहे हैं। उन्होंने जो 5 साल में किया है उसकी होर्डिंग बैनर पोस्टर क्यों नहीं लगा रहे हैं, जनता ये जानना चाह रही है। स्मार्ट सिटी में और नॉर्मल सिटी में क्या अंतर है, उन्होंने क्या अंतर पैदा किया वो जानना चाह रही है। वो पूर्व प्रधानमंत्री जो कि हिंदुस्तान के रहे हैं जवाब नहीं दे सकते हैं, उनकी बातों पर वो सवाल क्यों करते हैं, जब जवाब देने वाला आज के इस दुनिया में नहीं है, उन पे वो क्यों दा रहे हैं, ये बड़ा प्रश्नवाचक शब्द है। क्योंकि इतना बड़ा पद, इतने सम्मानित पद, इतने प्रधानमंत्री, इतना बड़ा नाम और इस तरीके के मुद्दे ले रहे हैं, इससे जनता बहुत भ्रमित हो रही है, क्योंकि जनता की बात वो कर ही नहीं रहे हैं। वो गंगा कहीं पर जाते हैं तो कहते हैं मैं गंगा का बेटा हूं बनारस में, दूसरी जगह जाते हैं तो कहते हैं वहां का बेटा हूं, मैं कश्मीर में जाते हैं कहते हैं मैं पठान का बेटा हूं। आखिर वो इतनी हल्की बात क्यों कर रहे हैं, वो अच्छा, प्रधानमंत्री हैं, पूरे देश के बेटा हैं वो, उनको खुद कहने की क्या जरूरत है, क्या सभी जगह होना चाहिए, लेकिन चूंकि काम नहीं हुआ प्रधानमंत्री वो जगह जगह भावना। लेकिन पहले विनोद जी को जोड़ेंगे, विनोद जी आपकी बारी आए, इससे पहले हम दो बड़ी खबरें हैं वो अपने दर्शकों को बता दें। एक तो बड़ी खबर यह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने बकायदा ट्वीट करके अपील की है कि ये जो छठा चरण है इसमें मतदाता बढ़ चढ़कर इस मतदान प्रक्रिया में हिस्सा लें। युवाओं से उन्होंने खासकर अपील की है कि वो वोटिंग जरूर करें। दूसरी स्थिति यह है कि बिहार में मतदान केंद्र पर पहुंचे मतदाताओं ने कहा है कि वो इस बार उम्मीदवार को देखकर नहीं बल्कि काम को देखकर वोट देंगे। कुछ प्रतिक्रियाएं हमें मिली है, हम आपको सुनवाते हैं। बिहार के मतदान केंद्रों की ये प्रतिक्रियाएं हैं, सुनिए। काम को वोट देना है, काम देखते हैं, जो देश अच्छा होना चाहिए अब क्या होगा, जो अच्छा विकास करे उसी को दे, जो हमारे लायक संसद या विकास करने के लिए ऊपर से नीचे तक ले, कुछ चाहिए कि जो आम पब्लिक को कुछ सुविधा मिले, देश का विकास हो, जो काम करे उसको वोट दिया जाएगा। कैंडिडेट से क्या मतलब है, कैंडिडेट तो बहुत सारे हैं, जो विकास का काम करेगा उसको वोट दिया जाएगा। आप जो बढ़िया करेंगे उन्हीं को वोट देंगे, अच्छा जो विकास करेंगे उन्हीं को वोट देंगे, उन्हें क्या है, वही है जो अच्छा विकास कर रहे हैं उन आदमी को वोट देंगे, जो सब आदमी की राय भी चाहिए। तो ये देखिए, तमाम वोटर्स ये कह रहे हैं कि हम मुद्दे पर जो काम
कर रहा होगा या जो काम कर रहा है उसके काम को देखकर वोट करने का काम करेंगे। ये एक स्थिति निकलकर सामने आई है। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट करके बधाई दी है इस छठे चरण पर, और बधाई ही नहीं दी है बल्कि उन्होंने अपील की है। प्रधानमंत्री लगातार अपील करते आ रहे हैं जिससे कि एक जो उत्साह है वोटिंग के प्रति वो बना रहे। प्रधानमंत्री ने युवा वोटरों को लक्ष्य करके ये बात कही है कि मुझे यकीन है कि युवा वोटर जो है वो इस छठे चरण में बढ़ चढ़कर निकलेगा और मतदान प्रक्रिया का हिस्सा बनेगा। एक खबर और आ रही वो ये कि सुल्तानपुर में ईवीएम मशीन खराब हुई है। सुल्तानपुर में बूथ संख्या संभवतः 82 या 84 है जहां ईवीएम मशीन खराब हुई है। अब से थोड़ी देर में हम अपडेट लेने की कोशिश करेंगे कि वहां क्या स्थिति है, लेकिन अब हम एक बार विनोद जी के पास जाना चाहेंगे, उसके बाद हम आशीष जी का रुख करेंगे। विनोद जी आंसर करिए कि प्रधानमंत्री क्या जो कह रहे हैं दरअसल वो उन्हें इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि विपक्ष ने पूरी जो पॉलिटिकल डिबेट है वो मोदी विरोध के आसपास ही खड़ी कर दी है, तो जब वो जवाब देते हैं तो दरअसल उस विरोध का ही जवाब दे रहे हैं, उन शब्दों में किए गए विरोध का जवाब दे रहे हैं जो विपक्ष ने या खासकर कांग्रेस पार्टी ने गढ़े हैं। देखिए प्रधानमंत्री जी का ये कहना चुनाव के समय में जातिगत बातें करना बेहद अफसोस की बात है। ये कहीं ना कहीं जनता ने जो उनको समर्थन दिया वोट के रूप में उसका भी कितना अपमान है। ये कह रहे हैं कि मुझे टारगेट किया जाता है मेरी जात की वजह से, पिछले चुनाव में भी इस तरीके की बातें हुई थी, और प्रधानमंत्री इतनी हल्की बात करेंगे इस स्तर तक आ जाएंगे। देश ने उन्हें इसकी परवाह ना करते हुए उन्हें प्रधानमंत्री बनाया, अब जब देश की जनता उनसे सवाल पूछती है तो वो फिर वही पुराना टेप चालू कर देते हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण, एक तरफ तो ये कहते हैं दिखाने के लिए हम विकास पे बात करते हैं, लेकिन देखिए विकास इनके बस की बात नहीं है, विकास इनका एजेंडा नहीं है। इनकी सहज राजनीति, सरल राजनीति का केंद्र यही है कि ये किस तरीके से डाइवर्ट करें लोगों को। इसमें इनकी बराबरी कोई भी पार्टी नहीं कर सकती गुमराह करने में, डाइवर्ट करने में। दूसरा बात, इनका प्रभाव, ये पूरी तरीके से फिल्मी प्रधानमंत्री है, देश इनको जानेगा इतिहास में फिल्मी प्रधानमंत्री के रूप में। आपने देखा बॉलीवुड के लोगों के प्रति इनकी कितनी निजता है, लगाव है। खैर, अब इनको ये नहीं मालूम है कि ये पिक्चर नहीं चल रही है, देश ने हमको एक संवैधानिक जिम्मेदार पद पे बैठाया है, देश को हम किस दशा और दिशा में ले जाएंगे ये हमें तय करना है, लेकिन ये उसी अपने बॉलीवुड के उसमें लगे पड़े हैं और ये सोच रहे हैं पिक्चर चल रही, बहकाए रहो, एक दीवा स्वप्न दिखा के उलझाए रखो और बाद में पिक्चर खत्म। जिम्मेवार होना पड़ेगा, संवैधानिक दायित्वों के प्रति सजग होना पड़ेगा, हमें जवाबदेही सुनिश्चित करनी पड़ेगी। जवाबदेही मूलभूत जरूरत है, आवश्यकता है किसी भी देश की, किसी भी जिम्मेदार पद पे जो लोग बैठे होते हैं, पद बड़ा नहीं होता उसकी जवाबदेही बड़ी होती है, उस पे खरा उतरने का इनको भरसक प्रयास करना चाहिए। और मैं कहूंगा ये गलती से शायद इस कुर्सी पे बैठ गए हैं, जनादेश का पूरा सम्मान करते हुए, ये औसत दर्जे के कथाकार हैं अंदर से, इसीलिए हर बात में कथाकारी करते हैं, घुमाते हैं, एक पटखता नई पटखता नई पटखता। इसके बाद ये प्रधानमंत्री जब नहीं रहेंगे आगामी 23 तारीख को, तो बॉलीवुड में कोई औसत दर्जे की पिक्चर बनाएंगे और हम लोगों का मनोरंजन करेंगे। आंसर करिए अश्वनी शाही साहब, अश्वनी शाही साहब आंसर करिए इस बात का, इस बात का आंसर करिए इससे पहले कि हम शेट्टी साहब के पास आएं। आंसर करिए सर, आंसर पूरी तरीके से, वो कह रहे हैं कि कथाकार है प्रधानमंत्री। विनोद जी ये नैरेटिव रखना कि आप जो वोट करेंगे वो सीधे यहां आएगा, क्या इसके दूर के खतरों को भी समझने की कोशिश हो रही है? देखिए मैं अपने मित्र अश्विनी जी की दो बातों का जवाब देना चाहूँगा। पहले इन्होंने कहा था कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बहुत अच्छा काम हुआ है, मैं उसका जवाब देना चाहूँगा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई काम नहीं हुआ है, और जो हिंदुस्तान की जनता समझती है वो ये बताए कि अच्छा काम हुआ है तो डॉलर के मुकाबले रुपए की आज की डेट में क्या स्थिति 2014 में थी और 2019 में पेट्रोल की कीमतों में क्या स्थिति हुई है 2014 की और 2019 में, गैस सिलेंडर की स्थिति क्या है 2014 में 2019 में। उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर की एक बात कही कि पाकिस्तान में हम एक के बदले 10 सर लाएंगे, 10 सर तो नहीं लाए, ये स्वयं वहां पहुंच गए नवाज शरीफ के यहाँ, नवाज शरीफ जी के यहाँ पे, जो उस समय के वहां के तत्कालीन प्रधानमंत्री जी थे, उनकी माता जी को इन्होंने साड़ी भेंट की हिंदुस्तान की। तो ये दोहरी बात क्यों करते हैं, कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं।
पाकिस्तान ये बिना बुलाए बिना बताए अचानक क्यों पहुंचे, ये चीज अभी तक हम लोगों को समझ में नहीं आ रही है अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात। और जहां तक गठबंधन की बात है तो मैं चैनल पे पहले भी कह चुका हूं कि गठबंधन से ये लोग डरे हुए हैं, क्योंकि ये सामाजिक न्याय के लिए गठबंधन है और हम लोगों का जो यहाँ पे वोट प्रतिशत बड़ा है, वोटों का जो गणित है, उससे ये डरे हुए हैं। मैं पहले बता चुका हूं कि इन्होंने कश्मीर में जो गठबंधन किया था महबूबा मुफ्ती जी से, वो क्या इनका जायज था? आज वो राष्ट्रद्रोह की बात कर रही हैं, देशद्रोही बातें कर रही हैं। 4 साल तक इन्होंने वहां पर उनके साथ बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में सरकार इन्होंने बनाई और वहां पर चलाई, और इनके प्रवक्ता आदरणीय राम माधव जी ने वहां पर लिखित में दिया कि हम धारा 370 की बात नहीं करेंगे। पहले भी मैं आपके चैनल पर बता चुका हूं 35 की बात ये नहीं कर रहे हैं। उसके बाद इन्होंने बिहार में गठबंधन किया विधानसभा में, जिसके खिलाफ लड़े, जदयू के साथ गठबंधन इन्होंने कर लिया, वहां ये सरकार चला रहे हैं, क्या वो इनका गठबंधन जायज है? उसके बाद शिवसेना के साथ महाराष्ट्र में इनका गठबंधन है, पूरे 5 साल तनातनी चली और फिर उन्होंने उनको मैनेज कर लिया, क्या वो गठबंधन जायज है? तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि तमाम जगह इन्होंने हिंदुस्तान में तमाम जगह इन्होंने गठबंधन किए, वहां के गठबंधन इनके सब सही है। और यहाँ पर समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, क्योंकि ये पिछड़ों की, गरीबों की, दलितों की, मजदूरों की पार्टी है, किसानों की पार्टी है, आज वो अगर सब लोग एक साथ मिलकर विकास के मुद्दे पर, लोगों के गरीबी के मुद्दे पर एक साथ हो गए हैं तो इनको तो उनका साथ देना चाहिए, इनको क्यों परेशानी हमारे गठबंधन? अच्छा ठीक है, जल्दी से हम विनोद जी को जोड़ लेते हैं विकास की बात। सर सुल्तानपुर से कुछ और बड़ी खबरें आ रही है, लेकिन जल्दी से हम विनोद जी को मौका देना चाहते हैं कि वो अपना जवाब रखे, इससे इसके बाद हम दूसरी बड़ी खबरों पर जाए। जितेंद्र जी, विनोद जी आंसर रखिए, सर क्या कहना चाह रहे हैं शाही साहब के जवाब के प्रश्न के उत्तर में? पार्टी का प्रेशर है, प्रेशर है, प्रेशर इनकी, इनके प्रश्न का भी उत्तर दीजिएगा और अपनी पार्टी को ध्यान में रखकर भी, है ना, कि अचानक, अब आप बताइए उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, अचानक आप लोग पूनम सिन्हा को ले आए, अचानक क्या मतलब हुआ? तो वही जो ये कर रहे हैं वही टैक्टिक्स आपकी भी है या आप किसी दूसरी सोच से ये टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रहे हैं? नहीं, देखिए बात जहां तक बात है पैराशूट लैंडिंग की, जहां तक बात है सेलिब्रिटी की या आम जनता की, महत्वपूर्ण ये नहीं है कि चुनाव में कौन आ रहा है, वो सेलिब्रिटी है या आम जनता के बीच से निकल करके कोई आदमी आ रहा है, ये कोई महत्व नहीं है इसमें। बात ये है कि अगर कोई सेलिब्रिटी आता भी है और वो अगर चुनाव हार जाता है उसके बाद भी उसको मंत्री बना दिया जाता है, बात गंभीर प्रश्न ये है कि हारे हुए सेलिब्रिटी को भी आप जो है चुनाव आप बाद में जाकर के मंत्री बनाते हैं। और ये भी ध्यान देने योग्य बात है कि कौन से पार्टी ने ज्यादा सेलिब्रिटी उतारे हैं, जिसने ज्यादा सेलिब्रिटी उतारे हैं वो लोग दहशत में है, वो लोग एक प्रेशर बनाना चाह रहे हैं। लेकिन मेरा ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने चाहे वो रवि किशन को उतारा हो चाहे निरहुआ को उतारा हो, आदरणीय अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के एक निर्विवाद नेता हैं और आजमगढ़ में कोई चुनौती नहीं है और उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी अगर जीत होगी तो माननीय अखिलेश जी की आजमगढ़ में होगी। वहां पे निरहुआ वोट मांगने गए तो गांव में लोगों का विरोध हुआ, आपने समाचार पत्रों में और चैनल के माध्यम से देखा होगा उनका किस तरीके से विरोध है। कल भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में सन्नाटा था, ये भी आपने देखा होगा अखबारों के माध्यम से, तो वहां कोई चुनौती नहीं है। बात यह है कि सेलिब्रिटी जो थोक के भाव में उतारे जा रहे हैं, और दूसरा मेरा यह कहना है कि सेलिब्रिटी आप उतारिए या आम जनता के किसी आदमी को उतारिए, लेकिन जिन्होंने 5 साल सरकार चलाई है, अभी हमारे वरिष्ठ पत्रकार जी बता रहे थे बड़े बड़े मंत्रियों को चुनाव मैदान में नहीं उतारा गया है, इन मंत्रियों को पीठ के पीछे छुपाया क्यों गया, इनकी जवाबदेही क्यों नहीं दी गई कि ये जनता के बीच जाएं और इन्होंने बड़े बड़े मंत्रालय चलाए हैं वो जवाब दें कि उन मंत्रालय में इन्होंने क्या काम किया है, आखिर उनको पीछे से पीठ के पीछे उनको क्यों छुपाया गया। अच्छा ठीक है, यहाँ पर ये बहुत महत्वपूर्ण है और ये चिंता की भी बात है। हमारे सहयोगी दिवाकर समय थोड़ी देर में जुड़ेंगे लेकिन ये बातें तो ठीक है लेकिन क्या इन बातों में इस बात का भी जवाब है कि आपने लखनऊ से पैराशूट लैंडिंग कराकर पूनम सिन्हा को कैंडिडेट बनाया, इस बात का भी जवाब है? कैसे बनाया, क्यों बनाया, ये तो बताइए, मनोविज्ञान क्या है? कैंडिडेट बिल्कुल है, देखिए मनोविज्ञान यह है कि शत्रुघ्न सिन्हा जी लखनऊ से बहुत ज्यादा गहरा संपर्क
है शत्रुघ्न सिन्हा जी, लखनऊ लगातार यहाँ पर आते रहे, यहाँ के लोगों से मिलते रहे, पिछले 20 साल से आ रहे हैं और तमाम लोगों के उनके यहाँ पर बहुत अच्छे संबंध है, पहले से यहाँ से जुड़े हुए हैं, इससे पहले भी आए, समाजवादी पार्टी के कार्यालय में भी आए, ये करीब आज से एक महीने पहले आए, वहाँ पे कायस्थ समाज की मीटिंग हुई, वहाँ पे शत्रुघ्न सिन्हा जी आए, बैठे, काफी विचार विमर्श के बाद हमने ये किया है। लेकिन हमने ये नहीं किया कि अचानक से किसी नाचने गाने वालों को जिसका कोई वैल्यू नहीं है उसको आजमगढ़ से आपने निर्वाह को लड़ा दिया, वहाँ पर वोट नहीं मांग पा रहे। इतना विचार विमर्श जी, इतना विचार विमर्श आपने किया, इतना विचार विमर्श आपने किया तब आप पूनम सिन्हा जी को ला पाए, कहीं आपने थोड़ा और विचार विमर्श कर लिया होता तो पता नहीं क्या स्थिति बनती। खैर, सबसे बड़ा प्रश्न चाहते हैं विनोद जी, क्या आप हमें मनोविज्ञान समझा सकते हैं, वही मनोविज्ञान जो बीजेपी का है, समाजवादी पार्टी का है, वही कांग्रेस का भी है, या कांग्रेस कुछ अलग मनोविज्ञान रखती है इस पैराशूट लैंडिंग वाले मामले पर? देखिए, अच्छा सवाल आपने किया है। कांग्रेस हमेशा प्राथमिकता ये देती है कि जो जनता के बीच में जिस राजनेता की उपलब्धता है, जो जनता के बीच में रहता है, जनता के मुद्दों को जानता है, उसको प्राथमिकता दी जाए। लेकिन चूंकि चुनाव है, पूरा सामूहिक निर्णय होता है, कई बार सीट दर सीट कहाँ किसको कैसे लड़ाना है, किसकी उपयोगिता कहाँ कैसे पार्टी हित में देश हित में तय करनी है। लेकिन आप इसमें भाजपा का आश्चर्यजनक रूप से सबसे ज्यादा आप देखेंगे इस तरीके के प्रयोग करने में इस चुनाव में। उनके पास स्थानीय, एक तरफ ये कहते हैं कि इनकी पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी हो गई, इनके यहाँ लीडरशिप की बहुत बड़ी लंबी श्रृंखला है, लेकिन देखिए इनको अपने ही कैबिनेट के सहयोगियों पर भरोसा नहीं है, इनको अपने ही राजनीतिक गुरुओं पर भरोसा नहीं है, इनको अपने ही स्थानीय कार्यकर्ताओं पर, संघर्षशील हमारे अश्विनी साई जैसे इनके पास जो कार्यकर्ता है उनको ऊपर भरोसा नहीं है, ये उनकी राय को कम जो देते हैं, ये हवा हवाई पैराशूट वाले कैंडिडेट्स को ज्यादा प्राथमिकता देते हैं। और जैसे इन्होंने मनोज तिवारी जी ने गोरखपुर से चुनाव लड़ा सपा के टिकट पे, बुरी तरीके से फ्लॉप होने के बाद दिल्ली चले गए, तो इनाम भी इनको बहुत ज्यादा मिलता है। मैंने इनकी संस्कृति बॉलीवुड की है, ये वहां पर जमीन पर जुड़े रहने वाले, संघर्ष करने वाले, लाठी खाने वाले जन आंदोलन कार्यकर्ताओं की कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा अगर उपेक्षा होती है तो भारतीय जनता पार्टी में होती है। खुले मन से कैमरे के सामने हमारे भाई भी नहीं स्वीकार करेंगे, लेकिन अंदरखाने इनके भी ये पीड़ा स्वाभाविक रूप से होगी, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं। कांग्रेस पार्टी हमेशा अपने जन सामान्य के मुद्दे को उठाने वाली, उनके बीच में रहने वाली और स्थानीय सांसद, स्थानीय नेता, स्थानीय मुद्दों को प्राथमिकता देती है। लेकिन अंतोगत का चुनाव मिश्रित रूप से होता है, स्थानीय मुद्दों पे भी, राष्ट्रीय मुद्दों पे, तो जहां जिसकी सीट दर सीट जरूरत होती है हम जरूर आगे बढ़ते हैं, लेकिन हमारा प्रयास ये रहता है, मुख्य रूप से प्रयास ये रहता है कि हम स्थानीय नेता को ही तवज्जो दें। और पैराशूट संस्कृति से जहां तक प्रयास तो हर राजनीतिक दल का ये रहता है, और ये अच्छा है, मैं जिम्मेदारी से कह सकता हूं, हर राजनीतिक दल का ये प्रयास रहता है। अब देखिए, आप लोगों के प्रयास पर एक एक प्रश्न हम करें, एक मिनट, आप लोगों के प्रयास पर एक प्रश्न, तवज्जो मिलनी चाहिए आप लोगों के प्रयास पर एक प्रश्न, और फिर हम उस प्रश्न को दिवाकर जी से जोड़ेंगे। प्रश्न ये है कि उत्तर प्रदेश की